ब्रेकफास्ट में पराठा और अंडा करी बन के रेडी हो गया है। हस्बैंड का टिफिन में पैक कर रही हूँ। सुबह का टाइम है, 6 बज रहा है। हस्बैंड ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, उनका टिफिन में बना के रेडी कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरी एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज 22 अगस्त और मंडे है, सोमवार है। तो अभी बुबू स्कूल जाएगा, रेडी हो गया है। हस्बैंड ड्यूटी चले गए हैं। टाइम अभी 6:40 बज रहे हैं। बुबू को लेके मैं टैक्सी के पास छोड़ के आऊँगी। उसका टिफिन भी रेडी हो गया है, वो भी रेडी होके निकल रहा है। क्या हो गया? उसको लेके टैक्सी के पास अभी छोड़ के आती हूँ। कृष्णा सो रहा है, हस्बैंड चले गए हैं ड्यूटी। ऐसे सो रहा है नींद में आराम से। इसको बता के जाऊंगी। कृष्णा कृष्णा कृष्णा, भैया को लेके मैं छोड़ के आ रही हूँ टैक्सी के पास, ठीक है? सोते रहोगे? ओके। रेडी हो गए बुबू? चलो चलते हैं। आज इतना वेट हो रहा है, बताओ मत क्या क्या भर देता है बुबू। चलो आ जाओ, रेडी हो गए हो? चलो आ जाओ आ जाओ। और क्या रे? सुबह बुबू को टैक्सी के पास छोड़ के आने के बाद मैं घर का काम करने लगी थी। झाड़ू पोछा करके नहा के मैंने भगवान का पूजा कर लिया, फिर ब्रेकफास्ट कर लिया। अब बाद में आ रही हूँ कपड़े साफ़ करने के लिए। तो कपड़े क्लीन हो गए हैं, इनको लेके छत के ऊपर डाल के आती हूँ। कृष्णा बैठ के इधर मोबाइल देख रहा है। मौसम है ना, आज ज़्यादा धूप नहीं है कि ज़्यादा मतलब बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन ज़्यादा धूप भी नहीं है। तो सारे कपड़े को अभी डाल देते हैं छत के ऊपर और क्लिप लगा देते हैं, नहीं तो ये उड़ जाएंगे। और ये छत है ना बहुत ऊंचा है, मतलब जैसे थोड़ा हवा चलता है सारे कपड़े ना इधर उधर गिरने लगते हैं। तो मैं सारे कपड़े को डाल के इसके बाद क्लिप लगा दूँगी। कपड़े तो मैंने सुखा लिया है, अब जा रहे हैं घर में, लंच बनाएंगे। पूजा और ये सब काम तो हो गया है। मैंने कपड़े बाद में धुलाई किया था ब्रेकफास्ट करने के बाद, तो अब जाके लंच बनाते हैं। चावल दाल बन के रेडी हो गया है। दाल में मैंने तड़का लगा लिया है। तो ये सब्जी बनाई हूँ सरसों मसाला दे के, आलू बैंगन कद्दू, साथ में ये बड़ी डाल रही हूँ, ये बहुत टेस्टी लगता है। तो सब्जी भी बन के रेडी हो गया है। अभी गैस को करते हैं बंद। फ्रेंड्स, टाइम अभी 2 बज रहे हैं। हस्बैंड आ गए हैं ड्यूटी से, बुबू स्कूल से भी वापस आ गया है। सबके लिए मैं लंच लगा दी हूँ और इधर मैं भी खा रही हूँ, साथ में कृष्णा को भी खिला रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी इवनिंग का टाइम है और दोनों बच्चे पढ़ाई करने के लिए बैठे हैं, पर उन्होंने इवनिंग स्नैक्स नहीं किया है, तो मैं इनके लिए इवनिंग स्नैक्स बना के लेके आ रही हूँ। बुबू कृष्णा दोनों नीचे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं आज, उनके लिए मैं बेबी बेबी पैनकेक्स इसको बना रही हूँ। ये बन के रेडी हो गया है, बनाएंगे थोड़ा सा पीनट चटनी। दोनों का इवनिंग स्नैक्स रेडी हो गया है, बेबी बेबी पैनकेक साथ में पीनट वाली चटनी। चलो खाओ, खा लो, फिर बैठ के पढ़ाई करना। खा के देखना बुबू टेस्टी लग रहा है क्या नहीं। गरम है? टेस्टी लग रहा है, खा लो। आज ना मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, जैसे हमारे एक नेबर है ना आ गए थे पड़ोसी,
तो कृष्णा को गिफ्ट देने के लिए बर्थडे गिफ्ट, मैं तो बर्थडे के दिन किसको नहीं बुला पाई थी, जैसे हमारा तबीयत खराब हो गया था सारे का, तो इसलिए मैं प्लेट में उनको थोड़ी सी बर्थडे केक और जो जो चीज़ हुआ था वो सब दिया था थोड़े थोड़े। तो उन्होंने कृष्णा के लिए बर्थडे गिफ्ट लेके आ गए थे। तो फिर जब वो आए तो इनको मैं मिलने के लिए थोड़े हम जाके छत के ऊपर बातें करने लगे, तो थोड़ा लेट हो गया है आज, इसलिए अभी टाइम 7:20 बज रहे हैं। अभी बच्चे कर रहे हैं इवनिंग स्नैक्स, इसके बाद करेंगे पढ़ाई। मैं इनको तो स्नैक्स दे दी हूँ, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा मेरी जो भागवत है उसको पढ़ाई करूँगी। इवनिंग का जो पूजा मतलब अग्रवती उसने उसको मैंने कर लिया है। ये ये दोनों तरफ से क्यों लगाए हो मुझकी जैसे? कृष्णा को ये बर्थडे गिफ्ट मिला था, ये जो पेंसिल बॉक्स है उसके साथ ये टॉफी चॉकलेट, और इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एक स्केल, दो पेंसिल, ये शार्पनर और इरेजर, ये सब मिला है। हम तो ज़्यादा लोग को बुलाए नहीं थे, तो दो चार हमारा जो पड़ोस वाले हैं वो सब दिए हैं। और ये एक पेंसिल बॉक्स है, ये वाला, ये कृष्णा को बहुत पसंद आया था। खराब कर दिया है क्या? हाँ, ये लाइट ऐसे जल रहा है बच्चों को, है ना, पढ़ाई करने के टाइम देखने के लिए। के साथ कैडबरी सेलिब्रेशन का दो पैकेट भी मिला था, और उसके मामी आई थी, मामी उनको ना पैसा दे के चली गई थी, 500 रुपीज़ पैसा दे के मामी चली गई थी कृष्णा को। तो ये सब बर्थडे गिफ्ट कृष्णा को मिला था। बुबू बैठ के उसका पढ़ाई कर रहा है, कृष्णा उसका बुक्स पैक कर लिया था। अब बैठ के पढ़ाई करो भाई के साथ, भाई जब तक पढ़ाई कर रहा है तब तक पढ़ाई करो। बुबू तुमने सब तो फैला लिया है, वो कहाँ बैठेगा? सब क्लोज करके रखो, जो जरूरत है उसको लिखने के लिए, बाकी सब क्लोज करो। मैथ सिर्फ नहीं होगा, चलो बैठ के पढ़ो। कृष्णा क्या लिख रहा था? क्या लिखा? मिसिंग नंबर्स, मिसिंग नंबर्स कर लिया है। अच्छा, ये दोनों तो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ डिनर बनाने के लिए। हस्बैंड गए थे मार्केट, लेके आए हैं जलेबी, साथ में चिकन भी लेके आए हैं, तो चिकन का सब्जी बनाएंगे। तो ये चिकन लेके आए हैं, हस्बैंड मार्केट गए थे शाम को, इसको मैरिनेट करके रखे हैं, आज चिकन का सब्जी साथ में रोटी बनाएंगे डिनर में। चिकन तो मैरिनेट होके रहा है, प्याज टमाटर काट कूट करके मैं लेके आती हूँ। चिकन बनाने के लिए हमारा सारे इंग्रेडिएंट इधर रेडी है। प्याज मैंने काट लिया है, आलू में डालूंगी, टमाटर और ये सूखी मसाले, साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मैरिनेट करके रखे हैं। इसमें भी अदरक लहसुन पेस्ट और सारे पाउडर मसाला गया है, साथ में सारे पाउडर मसाला। तो अभी चिकन बनाते हैं फटाफट। इधर कढ़ाई में तेल ली हूँ, थोड़ी सी चीनी डाली हूँ कलर के लिए। आज कश्मीर लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के इसको मैं भून रही हूँ। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। अदरक लहसुन और हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर, सारे पाउडर मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अब साथ में टमाटर भी ऐड कर देती हूँ। अब इस सबको टमाटर को सॉफ्ट होने तक भून लेते हैं। मसाला तेल छूट रहा है मसाला से। अभी चिकन और पोटैटो ऐड करते हैं। ये रहा मैरिनेट चिकन, साथ में ये पोटैटो भी मसाला के साथ इसको भूनते हैं। चिकन और आलू मसाला के साथ भून रहे हैं, साथ में इस तरफ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। चिकन अच्छे से भुन जाने के बाद इसको उतार लेंगे। थोड़ी सी मैं ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ी सी पानी ऐड करूँगी, तो थोड़ी सी पानी मैंने गर्म किया है। सब्जी बनके रेडी हो गया है, अभी डिनर लगाते हैं।
चिकन करी और साथ में रोटी रेडी हो गया है सबके लिए। मैं खाऊंगी पखाल भात साथ में ये चटनी बना के, और ये मैं शाम को जो चटनी बनाई थी पीनट वाली और दाल। तो ये मेरे डिनर, इन लोगों का चिकन को रोटी। तो फ्रेंड्स आ जाइए हमारे साथ डिनर करने के लिए। तो बच्चों को लेके हम लोग इधर खाना खा रहे हैं। तो आज का व्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए। व्लॉग अच्छा लगा तो व्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।